सुबह सुबह एक मंकी के बारे में पता चला, इसको करंट लग गया है। इस बच्चे ने मेरे घर आकर इसके बारे में बताया। इस मंकी की हालत बहुत खराब है, देखो ये कैसे उंगली को पकड़ रहा है, इसने टीथ भी टाइट कर रखे हैं। फिर डॉक्टर से बात करके इसको एक इंजेक्शन लगाया। फिर हम और दवाइयां लेने चले गए तो रास्ते में पता चला प्लूटो मेरे पीछे से घर से फरार हो गया है। देखो कहां घूम रहा है नाइकी के जूते पहनकर, तो देखो ये पिटबुल डॉग इस पर भौंक रहा है। इसको पकड़कर घर छोड़कर आया। फिर कुछ दवाइयां लेकर मंकी महाराज के पास पहुंच गए। फिर मंकी भैया को एक इंजेक्शन और लगा। फिर जैसे ही हमने इसको पानी पिलाने की कोशिश की तो इसने अपनी आंखें भी खोली। तो फिर मैं इसको हॉस्पिटल लेकर गया, आंखें खोल रहे क्या पता बची जाए बेचारा। इसको बाइक पर ही हम पास के हॉस्पिटल लेकर गए, वहां जाकर भी इसको एक दो इंजेक्शन लगे, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ये मुश्किल ही बच पाएगा क्योंकि ये सारा नीला हो गया है, करंट हाई वोल्टेज लगा होगा। फिर डॉक्टर ने इसकी मसाज की, इसको लेकर हम घर आ गए। घर आकर प्लूटो पूछने लगा कि कहां गए थे। फिर घर बहुत सारे मंकी आने लगे। फिर मंकी को लेकर हम अपने फार्म पर पहुंच गए, इसको यहाँ ऊपर रखेंगे ताकि कोई और मंकी इसको परेशान ना करे। फिर इसको पानी पिलाया और इसकी अच्छे से मसाज की, दुआ करो कि ये बेचारा जल्दी से सही हो जाए।